गरीब अमीर बाथरूम। वीरूभाई इस देश में ही सबसे बड़ा धनवानों में से एक था। उसके घर में सब कुछ सोना से ही बनाए गए चीजें थे। उनके बाथरूम में भी सब चीजें सोना से ही बनाए हुए थे। गोल्ड बाथ टब, गोल्ड वॉश बेसिन और गोल्ड कमोड, ऐसे सब कुछ सोना से ही बनाए हुए थे। उनके परिवार वाले सब उस गोल्ड बाथरूम को ही इस्तेमाल करते थे। उनके बच्चे तो गोल्ड बाथ में नहाते हुए बहुत एंजॉय करते थे। उनके शहर से दूर में गोलकपुर कहकर एक गांव था। उस गांव में किसी का घरों में शौचालय नहीं था। सब लोग मूत्र विसर्जन के लिए बाहर ही जाते थे। एक दिन एक औरत और एक औरत से गांव के बाहर। रात थोड़ा काम ज्यादा था इसलिए सोने के लिए थोड़ी देर हो गई थी और सुबह सुबह नहीं उठ पाई। अब इस खुले क्षेत्र में कैसे हमारा कार्यक्रम खत्म करना है, पूछी तब और एक औरत दुखी से। और क्या कर सकते हैं बहन, अंधेरा होने तक पीठ को खस के रखना पड़ेगा, बोली। इस सब के लिए उस गांव का प्रेसिडेंट नाथूराम ही कारण था। वो एक नंबर का कमीना और भ्रष्टाचार था। वो उस गांव में किसी के घर में शौचालय का निर्माण करने नहीं देता था। लेकिन उसके घर में उनके परिवार वालों के लिए गांव वालों को मालूम चले बिना बाथरूम्स और शौचालय का निर्माण किया। एक दिन कुछ लोग एक आदमी के साथ प्रेसिडेंट के पास गए। तब प्रेसिडेंट से वो आदमी, प्रेसिडेंट जी, मेरी बीवी का तबीयत खराब होकर अस्पताल में भर्ती हुई है। उसका कारण खुले मैदान में मूत्र विसर्जन करना ही है कहकर डॉक्टर ने बताया। अगर आप अनुमति देंगे तो हम हमारे घरों में शौचालय का निर्माण करेंगे मालिक, कहा। तब प्रेसिडेंट गुस्सा होकर, क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस घर में भगवान का पूजा करते हैं, खाना खाते हैं, उसी घर में मूत्र विसर्जन करने के लिए सोचते हो? कितना अनर्थ होता है पता है? महिला और बच्चों के लिए तो मैंने नहाने के लिए अनुमति दिया है ना, और क्या चाहिए, कहकर उनका मुंह बंद करवाया। उस गांव के लोग उनके सामर्थ्य के हिसाब से कुछ लोग प्लास्टिक शीट्स और कुछ लोग ताड़ का पत्तों से या फिर कुछ लोग बैंबू से छोटा सा कमरा जैसा निर्माण किए। ये सामर्थ्य नहीं रहने वाले तो पब्लिक जगह पर बच्चों के साथ साथ खुल्लम खुल्ला नहाने लगे। एक बार शंकर कहकर एक गांव वाला भागते हुए प्रेसिडेंट के घर आया। प्रेसिडेंट जी, मेरा बेटा बीमार से अस्पताल में भर्ती हुआ है, उसे शहर ले जाकर इलाज करवाना है, उसके लिए बहुत खर्चा होता है, आप दया नहीं करेंगे तो वो जिंदा नहीं बचेगा मालिक, कहा। तब नाथूराम, अरे डरो मत, मैं हूं ना, कहकर मुनीम को बुलाकर शंकर से कुछ कागजातों पर अंगूठे का निशाना लेकर उसे पैसे दिया। तब शंकर उसको प्रणाम करके उधर से चला गया। मुनीम जी प्रेसिडेंट से, मालिक, सरकार ने तो गांव के लोगों के लिए शौचालय निर्माण करने के लिए तो निधि दिया है ना, शौचालय का निर्माण कर सकते हैं ना, कहा। तब प्रेसिडेंट, अरे सरकार तो बहुत कुछ करने के लिए कहता है, वो सब करेंगे क्या? कुएं में जाकर कूदो बोलेंगे तो जाकर कूदेगा क्या? फिर भी तुम और तुम्हारे परिवार तो मेरे घर में शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और क्या चाहिए? गांव वाले बीमार पड़ेंगे तो ही हमें पैसे मिलेगा, सब लोग सुकून से रहेंगे तो हमें पैसा कौन देगा? फिर भी आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, ध्यान से रहो नहीं तो जान से मार दूंगा, कहकर धमकी दिया। एक बार वीरू भाई के घर में एक काम वाला अखबार पढ़ते हुए, गोलकपुर में कलरा का बीमारी फैलकर 20 लोगों का मौत हो गया है, कहकर पड़ा और हे भगवान, ये गांव कब सुधरेगा कि क्या है, कहकर दुखी हुआ। तब वीरू, क्या हुआ काका, इतने परेशान क्यों हो? उधर उस गांव में आपका कोई रिश्तेदार है क्या, पूछा। तब काका, बताऊंगा, वो तुम्हारे पिताजी का और मेरा अपना खुद का गांव है। उस गांव में शौचालय नहीं रहने के वजह से तुम्हारी माँ तुम्हारे बचपन में ही बहुत बीमार होकर मर गई थी। उससे तुम्हारे पिताजी और उस गांव के प्रेसिडेंट के बीच में झगड़ा होकर बिल्कुल नहीं जमा, और लोगों में बदलाव लाने के लिए कोशिश किया और वो भी नहीं हुआ, और फिर वो गांव छोड़कर बहुत मेहनत करके पैसे कमाकर करोड़पति बनकर उसी का बदला लेने के लिए तुम्हारे घर में ये गोल्डन टॉयलेट बनवाया। मैं तो तुम्हारे बगल वाले घर में रहता था, मेरा परिवार भी उस प्रेसिडेंट के अराजकता के लिए बलि हो गए थे। ये देखकर तुम्हारे पिताजी मेरे ऊपर दया दिखाकर मुझे आपके घर में थोड़ा जगह दिए थे। ये बात बच्चों को नहीं बताना है कहकर मेरे पास वचन भी लिए थे, लेकिन आज उस गांव का अच्छाई के लिए मैं अपना वचन तोड़ रहा हूँ। आज तुम्हारे पास पैसे, दर्जा और प्रभाव का इस्तेमाल करके उस गांव को मदद करना बहुत आसान है बाबू, कृपया करके हमारे गांव को बचाओ बाबू, कहा। तब वीरू, क्या आज भी इस देश में ऐसा गांव है तो आश्चर्य लग रहा है, तुरंत ही मैं उस गांव को दत्तक ग्रहण करता हूँ, कल ही हम गोलकपुर जा रहे हैं, कहा।
वीरू उस जिले का कलेक्टर को, होम मिनिस्टर को, सीएम को फोन करके उस गांव के बारे में और उस गांव का प्रेसिडेंट के अराजकता और भ्रष्टाचार के बारे में बताया। तब पुलिस नत्थूराम को अरेस्ट करके केस फाइल किए। वीरू उस गांव वालों से कम अब तक आपका मूर्खता और आपका डर को छोड़कर बदलिए, मैं अपने पैसों से सबके घरों में शौचालय का निर्माण करवाता हूँ, कहा। वो सुनकर गांव वाले खुश होकर तालियां बजाए। ऐसे वीरू सबके घरों में शौचालय का निर्माण किया। और ऐसे ही अच्छे से रोड्स बनवाया और वाटर टैंक, अस्पताल और स्कूल का भी निर्माण किया। तब से लेकर वो गांव वाले सुकून की जिंदगी जीने लगे।